नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज निचोड़। सोमवार शाम 7 बजे तक की हेडलाइंस पर डालते हैं एक नजर। छत्तीसगढ़ के पहले चरण के मतदान में 4:30 बजे तक लगभग 56% रही वोटिंग। 18 सीटों के लिए हुई वोटिंग में छुटपुट नक्सली हिंसा को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा मतदान। 18 सीटों के लिए हुए वोटिंग में छुटपुट नक्सली हिंसा को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा मतदान। बाजीपुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 नक्सलियों को मार गिराया। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2400 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने भोजपुरी में छठ की शुभकामनाएं देते हुए की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुई रैली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, खुद जमानत पर चल रहे हैं और मुझे दे रहे हैं सर्टिफिकेट। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए रफेल डील से जुड़े सारे दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को सौंप दिए हैं। इन याचिकाकर्ताओं ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने के सौदे की सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले में जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया है। सोमवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अयोध्या मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सोमवार शाम 7 बजे तक की हेडलाइंस में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए hindi.firstpost.com के साथ।